देशभर के मौसम में लगातार बदलाव देखने को मिल रहा है। मार्च का महीना खत्म होने के करीब है, ऐसे में देश के अधिकांश राज्यों में तापमान में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है, जिसके चलते लोगों को गर्मी का एहसास हो रहा है। देश की राजधानी दिल्ली में तापमान करीब 33 डिग्री के पार पहुंच गया है। वहीं आने वाले दिनों में तापमान में 2 से 3 डिग्री तक बढ़ोतरी हो सकती है। इस बीच मौसम विभाग ने लोगों को थोड़ी राहत भरी खबर दी है। दरअसल 29 मार्च से एक ताजा पश्चिमी विक्षोभ पश्चिमी हिमालय क्षेत्र को प्रभावित कर सकता है, जिसके चलते फिर से मौसमी गतिविधियों में बदलाव देखने को मिल सकता है। वहीं 28 मार्च के मौसम की बात करें तो स्काईमेट वेदर की रिपोर्ट के अनुसार पूर्वोत्तर भारत और सिक्किम में हल्की से मध्यम स्तर की बारिश की संभावना जताई गई है। पश्चिमी हिमालय पर हल्की बारिश के साथ कुछ मध्यम बारिश हो सकती है। वहीं पश्चिमी हिमालय के ऊपरी इलाके में भी हल्की बर्फबारी की संभावना जताई जा रही है, जबकि पंजाब के कुछ हिस्सों में और हरियाणा तक दिल्ली में छिटपुट हल्की से मध्यम स्तर की बारिश की संभावना बनी हुई है। पश्चिमी हिमालय पर पश्चिमी विक्षोभ आ गया है। आसमान में बादल छाए रहने के साथ मौसम संबंधी गतिविधियां पहले से ही शुरू हो चुकी हैं और इसके बाद क्षेत्र में छिटपुट बारिश होने की संभावना है। 29 मार्च को एक और पश्चिमी विक्षोभ आएगा जो वर्तमान से भी ज्यादा सक्रिय होगा। इससे पहाड़ी राज्य के व्यापक इलाकों में बारिश और बर्फबारी होने की संभावना जताई गई है। कुछ इलाकों में तेज आंधी तूफान आएगा। इसके अलावा निचले इलाकों में ओलावृष्टि की संभावना बनी हुई है। मौसम विभाग ने अपने पूर्वानुमान में बताया है कि राष्ट्रीय राजधानी में आने वाले दिनों में अधिकतम और न्यूनतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस और 17 डिग्री सेल्सियस के आसपास बना रहेगा और आसमान में बादल छाए रहेंगे। कुछ इलाकों में अगले 2 से 3 दिनों में बूंदाबांदी भी हो सकती है। अन्य राज्यों की बात करें तो 29 मार्च तक पंजाब, हरियाणा, पूर्वी राजस्थान और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अलग अलग स्थानों पर गरज और बिजली गिरने के साथ हल्की बारिश होने की संभावना है। वहीं 27 से 31 मार्च के दौरान पश्चिमी हिमालय क्षेत्र और उत्तर पश्चिम भारत के आसपास के मैदानी इलाकों में बारिश और तूफान की गतिविधि देखी जा सकती है। इसके अलावा 29 और 30 मार्च को कहीं बारिश तो कहीं आंधी तूफान की संभावना है। अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय में 30 मार्च को तेज बारिश की संभावना जताई गई है। खैर, इस खबर में इतना ही। देश भर में बदलते मौसम को लेकर आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूले। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़ नेशन का डिजिटल प्लेटफॉर्म।